हरे कृष्णा। तो चंचल मन को स्थित करके या तो चंचल मन होते हुए हम भक्ति कैसे करें, तो सुंदर सवाल है कि मन का स्वभाव है चंचलता। वो कोई भी एक वस्तु पे ज़्यादातर टिकता नहीं, चंचल है। और दूसरा मन का स्वभाव है जहाँ हमारी आसक्ति है वहाँ वो चिपकता रहता है। हमारी आसक्ति छोटे बच्चे में है जो बीमार है तो मन वहाँ चिपक जाएगा। हमारा मन बड़ी फैक्ट्री का, खरबूजों की फैक्ट्री है, जल गई तो हमारा मन वहाँ चिपक जाएगा, क्योंकि हमारी वह आसक्ति फैक्ट्री में है, बच्चे में है, पैसों में, जहाँ भी हमारी आसक्ति होगी वहाँ मन चिपकता रहता है, वहाँ से मन हटेगा नहीं। ये मन का स्वभाव है। चंचलम ही मनम कृष्णा मन कृष्ण प्रमाथिनो बलवत दृढ़म। वो दृढ़ है, ये स्वभाव है मन का। मन दृढ़ है, चंचल है, प्रमाथी है, और इन प्रमाथी मन को, चंचल मन को कैसे हम नियंत्रित करें, तो ये बहुत बहुत बड़ा कड़ा काम है। इट्स लाइक अ थैंकलेस टास्क। तो भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर इलाज करते कहते हैं, जो हमसे कभी नहीं हो पाएगा अनलेस कि यार भक्ति के लाइन पे बराबर लगे हो, तो एक दिन आखिरी में हो ही जाएगा। लेकिन जब तक आप शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं आते, ये नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं कि मन को, अगर हमें चंचल मन को, प्रमाथी मन को अगर हमारे वश में लाना है, तो दो चीज़ें करनी पड़ेगी जो हमसे मुश्किल है। एक चीज़ है वैराग्य। हमें इन भौतिक संसार से, भौतिक शरीर से, भौतिक मन बुद्धि अहंकार से, यानी भौतिक चीज़ों से हमें ये मन को हटाना होगा, और श्री कृष्ण में ही, और किसी में नहीं, श्री कृष्ण में ही लगाना होगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं आखिरी में, दो बार कहते हैं श्लोक, मन मना भव मद भक्तो, मेरे में मन रख, देन हो गया काम, मन जीत लिया, परमात्मा समाहिता। जिन्होंने मन जीत लिया उनके बिल्कुल बगल में भगवान खड़े रहते हैं, और भगवान का साक्षात्कार, भगवान बिल्कुल भगवान के बाजू आजू बाजू में हम बैठते हैं, मौज करते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं, लीलाएं करते हैं, परमात्मा समाहिता। बंधुरात्मनस्तस्येन आत्मैव आत्मना जीता। तो जिन्हें बंधु बना लिया है मन, तो मन को बंधु बनाना है तो वैराग्य चाहिए। वैराग्य का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के बिना और किसी में प्रीति नहीं, इनको बोलते हैं वैराग्य। और दूसरा, भगवान कहते हैं कि मन को अगर काबू में करता है, करना है तो अभ्यास, कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, डे इन एंड डे आउट। हमें हमेशा हमारा मन जहाँ भी जाए वहाँ से उनको वापस लाएं और श्री कृष्ण में लगाएं। अर्थात या तो जहाँ भी हमारा मन चिपक जाए वहाँ राधा कृष्ण को बिठा दो, या तो मन को यहाँ, राधा कृष्ण को यहाँ वापस लाओ, या तो मन जहाँ जाता है राधा कृष्ण को वहाँ ले जाओ, वन और अनदर। तो उनको बोलते हैं कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, अभ्यास। अभ्यास न तो कहते या वैराग्य न चे उच्यते। तो अगर शुरुआत में ये दोनों चीज़ हमसे नहीं होगी, और नहीं होगी, 99% लोगों का ये दोनों चीज़ें नहीं कर पाएंगे। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि कुछ मन को छोड़ो, पहले हरे कृष्ण महामंत्र का जप बढ़ा दो, जप करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का कीर्तन करते रहो, भगवान का नाम कीर्तन करते रहो, तो इन इससे अभ्यास होगा। और जैसे जैसे हम ये कीर्तन नाम जप करते रहेंगे तो मन शुद्ध होता जाएगा, और आहिस्ते 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 ये मन भगवान के शुद्ध नामों में चिपक जाएगा, और सब सारी दुनिया की जंजाल हमारी हट जाएगी, वैराग्य हो जाएगा, कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए पहले मन के साथ युद्ध मत करो, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, और आहिस्ते आहिस्ते मन हमारा बंधु बन जाएगा, तब हम
समाधि में, वर्क नाउ समाधि लेटर। प्रभुपाद जी कहते हैं अभी चैंटिंग अराउंड द क्लॉक, कीर्तनीय सदा हरी, भगवान का नाम बोलते रहो, भगवान का नाम जप करते रहो, कीर्तन करते रहो। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस हम करेंगे वैसे वैसे मन शुद्ध होते हुए मन नामों पर आके हमारे हृदय में वो प्रेम जागृत करेगा, कृष्ण प्रेम। तो मैंने पहले श्लोक बताया था, अज्ञानात् भवाज्ञानात् उत्तम श्लोक नाम यत। तो भगवान के नामों में सब शक्ति है, इसीलिए भगवान का नाम हमारा कल्याण करते ही रहेगा। जैसे अग्नि में हाथ डालोगे, मन है या नहीं, अग्नि जलाएगा, उसी तरह नाम जप करते रहेंगे, एक दिन हमारा मन भगवान के नामों में लग जाएगा। तो ये सबसे बड़ा इलाज है कि हम नामों की संख्या, जप करने की, कीर्तन करने की संख्या हम बढ़ा दें। तो भगवान का नाम जप में मन हो तो सही है, मन न हो तो भी सही है, लेकिन नाम अपना काम करता रहेगा। तो श्रील रूप गोस्वामी सुंदर उदाहरण देते हैं कि ये उपदेशामृत का श्लोक है कि हमें जॉन्डिस हुआ हो, जॉन्डिस पीलिया हुआ हो, तो पीलिए में कोई भी चीज़ हम खाएंगे कड़वी लगेगी, लेकिन जैसे जैसे हम शुगर कैंडी उनकी इलाज है, या तो स्वीट और तो मिश्री खाना, तो जैसे जैसे मिश्री खाते रहेंगे तो वो मधुर मिश्री हमें कड़वी लगती है, लेकिन खाना है, खाना है, तो जैसे खाते रहेंगे वो दवाई है, तो पीलिया मिटने पर वो मिश्री हमें मधुर लगेगी। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि हम नाम जप करते रहें, हम जप करते रहें, तो जैसे जैसे हमारा मन शुद्ध होता जाएगा जप होते होते, तो मन जैसे शुद्ध होता जाएगा तो आखिरी में मन लग ही जाएगा भगवान के नामों में। तो ये रूप गोस्वामी कहते हैं मन हो या न हो, आप भगवान का नाम लो। जैसे कि मंदिर, कई लोग कहते हैं मन नहीं है मंदिर नहीं आना, मन नहीं है इसलिए मुझे पढ़ना नहीं प्रभुपाद की किताबें, मन नहीं है इसलिए मुझे ये नहीं करना वो नहीं करना। तो आप मन नहीं है तो कई चीज़ करते हो, तो जैसे कि खाना, बहुत भूख लगी है आपको, 10 दिन से भूखे हो, तो अगर आपकी पत्नी आपको परोश दे सुंदर प्रसाद, तो मन आपका जली हुई फैक्ट्री करोड़ों की में है, लेकिन जैसे आप खाओगे तो आपका पेट भर जाएगा, और आखिरी में पेट भरेगा तो मन कहे ओ ये तो बहुत सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन है, और वो भी एंजॉय करने लगेगा। तो उसी तरह हमें मन हो या ना हो भगवान का नाम जप करते रहना है, और पढ़ते प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ते रहना है, मंदिर भी जाते रहना है, श्रवण करना है, मनन करना है, सब प्रैक्टिस हम करते रहें। मन नहीं है इसलिए छोड़ दो, ये तो बहुत गलत बात हो गई। जैसे आपकी पत्नी आपके साथ फैक्ट्री में या शॉपिंग में नहीं आना चाहती, तो आप अकेले चले जाओ फैक्ट्री और शॉपिंग में, तो क्या शॉपिंग और फैक्ट्री नहीं चलेगी? चलेगी। तो उसी तरह मन नहीं है, जब करते जाओ, भक्ति करते जाओ, तो भक्ति होगी और जब भी होगा, मन को आप छोड़ दीजिए और एक दिन मन लग जाएगा। बंधु आत्मनस्तस्य न आत्मैव आत्मनाजित, मन बंधु हो ही जाएगा। तो ये मन को वश में लाने का तरीका है अभ्यास और वैराग्य। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।